नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें कुल क्वेश्चन है 30। तो आपको भी साथ के साथ इनके आंसर देना है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी ना हरियाणा जीके की तैयारी पता लग जाएगी कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कितनी है और आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगी 2 सेकंड। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में हार्टोन की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 1 जनवरी 1983 को, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 1990-91 में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो ये क्या है, ये 51.96%, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी है, ये है 100 से 200 मीटर तक, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री बने थे, तो ये कौन बने थे, ये बने थे ओम प्रकाश चौटाला, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर के रहने वाले थे? तो वो कौन थे, वो थे भजन लाल, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1881 में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कानोट दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था, ये करवाया था राव नंदराम ने, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिसार जिले में स्थित जहाज कोठी किसने बनवाई? तो ये किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी जॉर्ज थॉमस ने, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त मुद्रांक में से अधिकांश मुद्रांक किस जिले के संग्रहालय में हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा झज्जर, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहादुरगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे, ये थे राठी जाट, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहान का प्रभुत्व स्थापित हो गया? तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 12वीं शताब्दी में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी के, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना स्थित है? तो इसका आंसर आएगा चीनी बनाने का, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा उदय क्या है? तो ये क्या है, सीएनजी बस सेवा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी, 2014 में, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा थानेसर, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के किस कॉलेज में की गई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1947 में, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में कौन से नंबर पर है? तो ये कौन से नंबर पे है, ये है 5वीं, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बेसर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है नाक में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाबा जिंदा मेला सोनीपत जिले के किस स्थान पर भरा जाता है? तो इसका आंसर आएगा मोई में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुंगिप्पा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है?
तो इसका आंसर आएगा रिवासा में, और रिवासा पड़ता है भिवानी में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाबा जिंदा के मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो इसके दो ऑप्शन और देख लेते हैं हम, तो इसका आंसर आएगा भादो शुक्ल द्वितीया को, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा बी, हिसार में। क्वेश्चन नंबर 26 है, हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका आंसर आएगा यमुनानगर से, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? तो ये राशि कितनी दी जाती है? ये दी जाती है 2 करोड़, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा इंडस्ट्रियल एरिया को, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, महमूद के पुत्र मसूद ने सोनीपत पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था 1036 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, महादजी सिंधिया द्वारा दिल्ली तथा हरियाणा पर अधिकार कब किया गया था? तो इसका आंसर आएगा 1789 में, यानी 1789 में, आंसर सी। तो आप अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।